हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित सेट ए का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यह आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, जो 100% रियल पेपर है, जो कि आपको सुबह 5 या 5:30 बजे आपको जो है 100% रियल पेपर सेट ए और सेट बी का आपको सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा, बिल्कुल 100% रियल। लेकिन यह जो है आप प्रैक्टिस सेट है, मतलब इसमें से 50% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तब तक आप फ्री ना बैठें, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो आइए यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेट ए है, पूर्णांक 75 अंक का आपका पेपर आएगा, गणित विषय का है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम सही विकल्प देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होती है। तो सदैव क्या होती है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो सदैव क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन दूसरे का भी उत्तर होगा। तीसरा है, करणी 3 का दशमलव प्रसार है। तो करणी 3 का दशमलव प्रसार जो होता है शांत दशमलव होता है, क्योंकि करणी 3 का जो दशमलव में मान होता है 1.732 होता है, जो कि शांत दशमलव होता है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर जो है सुबह डेली 5 या 6 बजे बिल्कुल 100% हर एक विषय के आपको रियल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक संख्या होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो उत्तर होगा, सदैव एक परिमेय संख्या होती है, ए नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। पांचवा है, शून्य बहुपद की घात। तो जो शून्य बहुपद की घात वह परिभाषित नहीं होती है, सी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, बहुपद 3x-2 का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक यदि आप निकालेंगे, इसके बराबर यदि आप 0 लेंगे, तो माइनस का 2 इस तरह पाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा। और जो गुणा में 3 है, बटे में आ जाएंगे, तो x का मान 2/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो 2/3 सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो पेपर में आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, और इस प्रकार से आप उत्तर को लिखेंगे कि पहले का बी है अपरिमेय संख्या, दूसरे का बी नंबर का विकल्प है सदैव एक परिमेय संख्या, और इस प्रकार से आपको अच्छी हेडिंग लगाना है। तीसरे का ए होगा शांत, चौथे का ए परिमेय संख्या होती है, पाँचवें का सी परिभाषित नहीं, और छठवें का सी 2/3। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको जो है पूरे से पूरे अंक मिलेंगे, अर्थात आपका कोई अंक नहीं कटेगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान कुछ इस प्रकार से है कि बिंदु एक्स वाई में एक्स को भुज तथा वाई को क्या कहते हैं। तो एक्स को भुज कह देंगे, तो वाई को क्या कहेंगे, कोटि। तो कोटि इसका उत्तर होगा पहले खाली स्थान का। दूसरा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। तीसरा, x बराबर 0 का समीकरण क्या होता है। तो x बराबर 0 जो होता है यह y अक्ष का समीकरण होता है। किसका होता है, y अक्ष का समीकरण। चौथा खाली स्थान है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, एक दूसरे के खाली स्थान होते हैं, तो एक दूसरे के समरूप होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, समरूप। पांचवा खाली स्थान है, एक शांत रेखा को खाली स्थान रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो अनिश्चित रूप से, अर्थात अनंत, हम उसको आगे पीछे कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। छठवा है, दो कोण जिनका योग जो है 90 डिग्री होता है वह कहलाता है, तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके सभी 6 के 6 खाली स्थान के उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है। पहले का उत्तर कोटि होगा, दूसरे का उत्तर सरल रेखा होगा, तीसरे का उत्तर वाई अक्ष होगा, चौथे का उत्तर समरूप होगा, पांचवें का अनिश्चित होगा, छठवें का पूरक कोण होगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में घंटी है जिसे हम इंग्लिश में बेल कहते हैं उस बेल आइकन पर आप प्रेस करें ताकि यदि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और सबसे बड़ी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे हमारे चैनल का नाम फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन के नाम से है, तो वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी। और यदि आप जो है किसी वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है तो जो वीडियो है वह टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड किया जाता है, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसके बाद तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न में कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियां पूछी गई हैं। आ नंबर का स्तंभ और बा नंबर दिया गया। पहला है शीर्षाभिमुख कोणों की माप। तो जो शीर्षाभिमुख कोणों की माप होती है वह क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, तो आपको इस समांतर से मिलाना है, पहले का आंसर समांतर होगा। दूसरा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो जिसकी दो भुजाएं समान हो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, दूसरे का आंसर समद्विबाहु होगा। तीसरा है बहुपद x प्लस वन का शून्यक होगा। तो यदि आप जब भी शून्य ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर हम इस बहुपद के बराबर जीरो लेंगे, तो प्लस एक इस तरफ आएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, तो इसका शून्यक क्या होगा, माइनस एक होगा। तो तीसरे की सही जोड़ी आपको इससे मिलाना है। चौथा है कर्णी पाँच वटे कर्णी दो। तो कर्णी पाँच वटे कर्णी दो यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना आएगा, पाँच आएगा। इसके बाद पांचवा है एक्स के निर्देशांक। तो एक्स के निर्देशांक क्या होते हैं, भुज का मान कितना होता है, जीरो होता है। इसके बाद छठवा है बिंदु चार माइनस एक स्थित है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इनके हम आंसर देख लेते हैं कि कैसे आपको पेपर में लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक तीन में जो है सही जोड़ी आपको कुछ इस प्रकार से उत्तर में लिखना है। जो भी सही जोड़ी है उसके सामने उसका आपको उत्तर आंसर लिखना है इसी प्रकार से, जैसे इसका आंसर समांतर है, दूसरे का आंसर समद्विबाहु है, तीसरे का माइनस एक है, चौथे का पाँच है, पाँचवे का भुज जीरो है और छठवे का चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोककर इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्वयं आपके पास बहुत ही कम समय रहेगा। यदि आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे वह आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक चार है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है एक ऋजु कोण की माप क्या होती है। तो एक ऋजु कोण जो होता है 180 डिग्री से 360 के बीच में होता है, तो एक ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, पहले का आंसर होगा। दूसरा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। तीसरा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो हमेशा क्या होता है, शांत और अशांत दोनों हो सकता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी हो सकता है और अशांत भी हो सकता है, तो इसका आंसर शांत और अशांत होगा। चौथा एक रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो रैखिक बहुपद कैसे कहते हैं, एक की घात वाले बहुपद को, तो अनेक उदाहरण हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे हमने एक्स प्लस दस को लिखा है। इसके बाद पांचवा है भुज कैसे कहते हैं। तो किसी बिंदु पर वाई अक्ष से जो है दूरी एक्स निर्देशांक अथवा उसे ही हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। छठवा है एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं। अब इसके बाद हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक चार, पहले का आंसर 180 डिग्री होगा, दूसरे का आंसर दो चर वाला रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है, और यहाँ पर शांत और अशांत इसका उत्तर होगा। चौथे का आंसर जो यहाँ पर जो रैखिक समीकरण का उदाहरण होगा एक्स प्लस दस होगा, कोई भी आप लिख सकते हैं वाई प्लस दस, वाई प्लस पाँच। पाँचवा है भुज कैसे कहते हैं, तो किसी बिंदु पर किसी बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी को एक्स निर्देशांक अथवा ऐसे ही हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और छठवें का उत्तर क्या होगा, आयत होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक पाँच, सत्य सत्य लिखिए। पहला प्रश्न है सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर सम कोण पर समद्विभाजित करते हैं।
तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो यह आपका असत्य होगा, क्योंकि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, तो दूसरा आपका असत्य होगा, पहला सत्य होगा। तीसरा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, तो यह बिल्कुल सत्य होता है। चौथा है, गोले का आयतन 4/3 इंटू पाई आर वर्ग होता है, तो यह आपका असत्य होगा, क्योंकि पाई आर घन होता है यहाँ पर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर घन, तो यह आपका असत्य होगा। पांचवा है, वर्ग अंतराल 50 से 60 में 50 वर्ग की उच्च वर्ग सीमा होती है, तो उच्च मतलब बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 50 और 60 में 60 है, लेकिन वे कह रहे हैं 50 है, तो यह कथन भी आपका असत्य होगा। इसके बाद छठवा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो यह कथन आपका असत्य होगा। आइए यहाँ पर हम इनके उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर हो जाएंगे, पहला सत्य होगा, दूसरा असत्य होगा, तीसरा सत्य होगा, चौथा असत्य होगा, पांचवा असत्य होगा, छठवां असत्य होगा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो दो अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा आप अच्छे से सुन लीजिए कि ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप कोई भी संख्या ले सकते हैं जो बटे वाली संख्या, जैसे 2/3, 3/5, 4/2, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं जिसे आप P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसके अथवा में पूछा गया है, 8 करणी 15 से जो है भाग 2 करणी दीजिए, तो इसमें आपको भाग किसमें देना है, 2 करणी 3 से आपको भाग देना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आपको समझाते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक समझना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला जो प्रश्न दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से, तो आइए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है कि 8 करणी जो 15 है इसको भाग किससे करना है, 2 करणी 3 से। कितने से भाग करना है, 2 करणी 3 से, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। अब इसके बाद जिससे आपको भाग करना है, इससे इसमें भाग करना है, तो इसको आप ऊपर लिखेंगे, और जो संख्या से भाग करना है उसको आप नीचे लिखेंगे, 2 करणी 3। अब इसके बाद जो बटे वाली संख्या और करणी का जो भाग होता है, तो संख्या का संख्या में हम भाग करेंगे, तो 2 का भाग हम 4 में 8 में करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएंगे, और करणी के अंदर की संख्या का भाग हम करणी के अंदर की संख्या में करेंगे, तो 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो इस प्रकार से 4 करणी 5 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 7 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि 1 करणी 7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर इसके अथवा का क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल सरल है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाइए कि 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से हर के परिमेयकरण के पूछे जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि 1/2 के हर का परिमेयकरण आप कैसे करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है, क्योंकि यदि आप समझ लेते हो तो आप पेपर में इसको आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो है हमें 1/2 का हर का परिमेयकरण करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल दिया है, तो यहाँ पर हमने लिखा दिया है, आपको एक संख्या दी गई है 1/2, तो इस प्रकार से हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है हर का परिमेयकरण करने पर। यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको जो है 2 में से 2 पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, आपके कोई अंक नहीं कटेंगे, तो इस प्रकार से हमने लिखा। अब इसके बाद जो भी संख्या, आपको उस संख्या को यहाँ पर लिख लेना है, 1/2 को हमने जाके था लिखा। अब जब भी हम हर का परिमेयकरण करते हैं, तो जब भी नीचे एक संख्या हो, अर्थात सिंगल संख्या हो, एक ही संख्या हो, तो इसी संख्या का हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो हमने 1/2 को लिखा। अब नीचे हर का परिमेयकरण करना, हर का मतलब नीचे वाली संख्या हर होती है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, तो हर का परिमेयकरण जब हम करेंगे, तो नीचे वाली संख्या का हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब जब हम गुणा करेंगे, तो 1/2 से किसी भी संख्या में यदि हम 1 का गुणा करें, तो वही संख्या आ जाती है। 2/2 का यदि हम 2 में करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि
जब भी समान कर्णियों का गुणा होता है तो कर्णी से संख्या क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो कर्णी दो का गुणा कर्णी दो में करेंगे तो कर्णी से संख्या क्या आ जाएगी, बाहर। जैसे यदि हम कर्णी पाँच का कर्णी पाँच में करेंगे तो पाँच बाहर। तो इस प्रकार से कर्णी से संख्या बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका यही आंसर हो जाएगा, या फिर आप इसको और भी सॉल्व कर सकते। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। दो दो अंक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है आगे क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 है कि सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात कीजिए 103 इंटू 107 का। तो यहाँ पर इन दोनों को आपको डायरेक्टली गुणा नहीं करना है। आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको सीधे गुणा किए बिना यहाँ पर इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको अच्छे से समझना है ध्यानपूर्वक, यदि आप समझ लेते हो तो आप आसानी से एग्जाम में आप लिख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम यहाँ पर हम लिखेंगे कि हल दिया है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कुछ इस प्रकार से लिखा कि दिया है 103 और 107 का आपको गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको इसको दो भागों में, आपको दो ब्रैकेट में आपको इस प्रकार से तोड़ना है कि जैसे हमें 103 यदि 100 से ज़्यादा है तो 100 में आप प्लस करेंगे, यदि 100 से कम है तो आप 100 में से आप घटाएंगे। तो यहाँ पर 103 है तो 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3, क्योंकि यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वापस से 100 प्लस 3 103 हो जाएगा। इसके बाद ब्रैकेट हम लगाएंगे क्योंकि दो कोष्टकों के बीच गुणा माना जाता है। 107 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से। अब इसके बाद जब आप तुलना करेंगे इसकी एक सर्वसमीका से, तो यहाँ पर जो होता है एक्स, क्योंकि जो सर्वसमीका होती है कुछ इस प्रकार से एक्स प्लस ए और एक्स प्लस वी होती है, इसके बराबर जो होता है यहाँ पर एक्स वर्ग प्लस ए प्लस वी इंटू एक्स और प्लस में होता है ए इंटू बी। इस सरसमीका के द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप इस सरसमीका की तुलना, इस सूत्र की तुलना यदि आप इससे करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कोष्टक हैं, दो बीच में प्लस चिन्ह भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर यदि हम पहली संख्या की तुलना पहली संख्या से करें तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से भी करें तो यहाँ भी 100 है, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ एक्स का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जो यहाँ पर दिया गया है ए, ए की जगह ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ पर भी 100 रहेगा। इसके बाद बी का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम जो है एक्स, एक्स का मान, ए का मान, बी का मान इस सरसमीका में रख देंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए जो सरसमीका होती है, जो सरसमीका होती है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो सरसमीका होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है x वर्ग प्लस कोष्टक के अंदर a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस होता है a इंटू बी। अब इसमें यदि हम मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे x का, a का, b का, तो यहाँ पर ज्यों का त्यों यही कोष्टक आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं x की जगह x का मान 100 रखेंगे, प्लस चिन्ह जाके तो a की जगह a का मान 3 रखेंगे, दूसरे कोष्टक में x की जगह x का मान 100 रखेंगे, प्लस चिन्ह जाके तो b की जगह b का मान 7 रखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था वही का वही क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके बाद इस तरफ वाले भाग को हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो x, x की जगह क्या होता है, 100, तो x की जगह हमने 100 रखा और वर्ग को जाके तक लगाया, प्लस a की जगह a का मान हम 3 रखेंगे, प्लस चिन्ह जाके था बी की जगह बी का मान 7 हो जाएगा, इंटू एक्स, एक्स की जगह, सॉरी यहाँ पर एक्स की जगह एक्स का आपको मान रखना है, तो एक्स की जगह एक्स का मान कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, प्लस चिन्ह जाके था ए की जगह ए का मान 3 रखेंगे और बीच में इंटू मतलब गुणा का चिन्ह आप लगा सकते हैं, बी की जगह बी का मान 7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यदि आप 100 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4 होता है, तो 1 को हमने जाके तक लिखा, 2 जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 होता है 100 का वर्ग। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं कि 100 को आप दो बार लिखेंगे क्योंकि 100 का वर्ग है, तो 100 का जीरो में करें 0, 100 जीरो और 100 एकम 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10,000 हो जाएगा। इसके बाद प्लस चिन्ह जाके था 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा,
और यहाँ पर बाहर कितने हैं, 100 हैं, तो 100 को हमने जाके ताने का, 3 और 7 का गुणा होगा तो कितने आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे। अब इसके बाद सबसे पहले हमने इस 10,000 को हमने जाके ताने लिखा, प्लस जब हम 100 का गुणा 10 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर आप 10 से गुणा भी कर सकते हैं, 10 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 10 का फिर 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, और 10 एकम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1,000 आ जाएगा, प्लस 21 हम जाके तक लिखेंगे। अब इसके बाद जब आप जोड़ेंगे तो 10,000 और 1,000 कितने हो जाएंगे, 11,000 और 21 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11,021 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा। और यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 2 में से पूरे अंक मिलेंगे, आपका कोई अंक नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 का जो अथवा क्वेश्चन पूछा गया, कुछ इस प्रकार से पूछा गया है 2 अंक में कि निम्नलिखित मानों पर बहुपद 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको x बराबर 0 पर ज्ञात करना है, अर्थात हम इस बहुपद में x बराबर 0 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपके x का मान आ जाएगा, x बराबर -1 पर सॉल्व करना है और x बराबर 2 पर सॉल्व करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है, वीडियो से लंबी हो सकती है, लेकिन यदि आप इन क्वेश्चन को अभी से आप सीख लेते हो तो कल आपका जो पेपर है उसमें आपको सरलता जाएगी, और सुबह जो है आपको 100% रियल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में जो क्वेश्चन दिया गया था, सबसे पहले दिया गया है एक बहुपद, आपको दिया गया है बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x वर्ग प्लस 3 दिया गया है, और यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का जो क्वेश्चन है कि x बराबर 0 पर आपको मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको हम जो है px के बराबर मान लेते हैं। तो मान के चले जो आपका बहुपद है, इस बहुपद को हमने px के बराबर माना। यहाँ पर p होता है पॉलीनोमियल, और पॉलीनोमियल इंग्लिश में बहुपद कहते हैं, और x इसमें है xx है, तो हमने x माना, बराबर हम इसको मान लेंगे। तो 5x ऋण 4x वर्ग प्लस 3। अब इसमें हम x बराबर 0 पर मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस बहुपद में x बराबर 0 रखने पर क्या लिखेंगे, जो बहुपद इस बहुपद में x बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम x 0 रखेंगे, तो बहुपद में x बराबर 0 रखने पर, तो यदि हमें x बराबर 0 रखेंगे तो p जाकेता x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर p 0 हो जाएगा, 5 जाकेता और यहाँ पर x की जगह हम 0 रखेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से कोष्टक में 0 रखेंगे, माइनस चिन्ह जाकेता 4x की जगह आप 0 रखेंगे, वर्ग जाकेता प्लस 3 जाकेता। इसके बाद यदि आप सॉल्व करेंगे तो पी 0 जाकेता आ जाएगा, 5 का गुणा 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 0 का वर्ग 0 होता है, प्लस 3 जाकेता। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो पी 0, इसके बाद 0 और 4 का गुणा 0 से होगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसके बाद हमने प्लस 3 को जाकेता लिखा, अब इसके बाद 0 में ना ही कोई संख्या जुड़ती है ना ही घटती है, तो यहाँ पर प्लस 3 पी 0, जब हमने x बराबर 0 रखा तो इस बहुपद में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद जो बी नंबर का क्वेश्चन है, बी नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि x बराबर ऋण 1 पर आपको इस बहुपद पर आपको x बराबर ऋण 1 पर मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम इस बहुपद में रखेंगे, इस वाले बहुपद में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए बहुपद में, किस में, बहुपद में x बराबर ऋण 1 रखने पर, x बराबर ऋण 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम ऋण 1 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो p लिखा हमने, x की जगह हमने ऋण 1 लिखा, बराबर 5x की जगह हम ऋण 1 रखेंगे, माइनस चिन्ह जाकेता 4 और x की जगह ऋण 1 और वर्ग जाकेता प्लस 3 हमने जाकेता लिखा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो p माइनस 1 जाकेता आ जाएगा, 5 का गुणा माइनस 1 से होगा तो माइनस के 5 आ जाएंगे, माइनस के 4 जाकेता। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऋण 1 का, ऋण का वर्ग हमेशा धन में होता है, तो ऋण 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा, क्योंकि यदि ऋण 1 का वर्ग हम ज्ञात करेंगे तो ऋण 1 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और ऋण ऋण का गुणा में जो है धन हो जाता है और 1 एकम 1 आ जाएगा, तो ऋण 1 का वर्ग धन 1 होता है, प्लस 3 जाकेता हो जाएगा। पी ऋण 1 को हमने जाकेता लिखा, ऋण के 5 जाकेता और ऋण चिन्ह जाकेता, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 3 जाकेता आ जाएगा।
अब इसके बाद ऋण वाली संख्या को हम अलग जोड़ लेते हैं और धन को हम जहाँ कितना लिखेंगे, तो ऋण के 5 है, ऋण के 4 हैं, तो ऋण के कितने हो जाएंगे जोड़ने पर, ऋण के 9 हो जाएंगे और प्लस 3 जहाँ कितना। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो पी ऋण 1 जहाँ कितना 9 में से यदि हम 3 को घटाएं तो कितने बचेंगे, ऋण के 6 बचेंगे। तो यहाँ पर जब हमने एक्स बराबर ऋण 1 रखा तो इस प्रकार से ऋण 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सी नंबर का क्वेश्चन है, सी नंबर का जो क्वेश्चन है आपको एक्स बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो बहुपद है इसमें आप रखते हैं या फिर आप इसमें भी रख सकते हैं। तो हमने लिखा कि बहुपद में, जो आपका बहुपद है, बहुपद में एक्स बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर, 2 रखने पर। तो इस बहुपद की जगह जहाँ x है यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो p जहाँ के तहाँ आ जाएगा, x की जगह x का मान हम 2 रखेंगे बराबर चिन्ह, 5x की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे माइनस चिन्ह जहाँ के तहाँ 4, और x की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे वर्ग जहाँ के तहाँ प्लस 3 जहाँ के तहाँ। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का गुणा 2 से हुआ तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, ऋण चिन्ह जहाँ के तहाँ 4 जहाँ के तहाँ, यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 जहाँ के तहाँ आ जाएगा तो P2 जहाँ के तहाँ 10 जहाँ के तहाँ, 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। तो जो P2 का मान होगा 10 जहाँ के तहाँ, 10 और 3 यदि आप जोड़ दें क्योंकि प्लस के 10 हैं, प्लस के 3 हैं, जोड़ेंगे 13 हो जाएंगे और माइनस के 16 जहाँ के तहाँ। अब इसके बाद बड़ी संख्या में से हम हमेशा छोटी संख्या को घटाएंगे तो 16 में से 3 को घटाएंगे, 3 तो बचेंगे लेकिन चूंकि ऋण की संख्या बड़ी है इसलिए ऋण का आंसर आएगा, तो P2 का मान ऋण 3 होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से दिया गया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो बहुत ही सरल आंसर है कि कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखना है। तो जो प्रश्न क्रमांक 9 है यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा, तो जो एक्स अक्ष होता है, जो एक्स अक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष कहते हैं, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, यानी कि एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और जो वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इस प्रकार से कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज अक्ष, एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज रेखा, और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा। इस प्रकार से 9 का उत्तर होगा। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि k के किस मान के लिए x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। तो इसमें हम x की जगह इस समीकरण में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और y की जगह हम 1 रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ से k का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप k का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको हम समझ लेते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो इसी प्रकार से आपको पेपर में भी लिखना है, यदि आप अथवा का क्वेश्चन हल करेंगे तो आप हेडिंग इस प्रकार से लगाएंगे कि प्रश्न क्रमांक 9 का हल, यदि आप अथवा नहीं करेंगे तो आप अथवा नहीं लिखेंगे और यदि आप अथवा करेंगे किसी भी प्रश्न का तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है हल दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन में आप क्वेश्चन लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमें एक्स के मान दिए गए हैं कि एक्स बराबर 2 और एक वाई बराबर 1 पर, ये हमें दिए गए हैं और एक समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर k दिया गया है और यहाँ पर आपको इस पर जो है k का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे कि x बराबर 2 तथा जो y बराबर 1 दिया गया है इनको हम किस में रखने पर, समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर। इस प्रकार से आपको लिखना है समीकरण में रखने पर। तो इस प्रकार से हमने लिखा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 जहाँ के तहाँ लिखेंगे, जहाँ x x की जगह 2 रखेंगे तो कोष्टक प्लस
तीन जागे था बाई की जगह बाई का मान हम एक रखेंगे बराबर के जागे था। दो का गुणा दो से करेंगे चार आ जाएगा प्लस तीन का गुणा एक से तो तीन आ जाएगा के जागे था। तो चार और तीन जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा। तो सात बराबर के या फिर इसी को हम के बराबर सात लिखेंगे। यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा आपको ध्यान रखना है क्योंकि सात इस तरफ आ गया और के इस तरफ आ गया। यदि ऋण चिन्ह भी आएगा तो इस प्रकार से चिन्ह आएगा कि के धन का है इस तरफ आएगा तो ऋण का के हो जाएगा और धन का सात इस तरफ आएगा तो ऋण का सात हो जाएगा। तो दोनों तरफ से ऋण और ऋण कट जाएंगे तो क्या बचेगा के का मान सात। इसलिए हमेशा यदि आप इस तरफ से इस तरफ लाएँ तो हमेशा सात बराबर के या के बराबर सात तो के का मान कितना हो जाएगा सात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 10 के बिंदु 4 0 5 ऋण 6 0 ऋण 5 और 2 और 3 और 4 और 5 को कार्त्य तल में निर्धारित कीजिए। अर्थात आपको एक आपको जो चतुर्थांश है चारों चतुर्थांश को बनाना होगा क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा और इनको आपको दर्शाना होगा। तो आइए हम दर्शाकर देखते हैं कि कैसे आप दर्शाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस प्रकार से कि प्रश्न क्रमांक जो आपका 10 है 10 का हल सॉरी यहाँ पर जो है हाँ प्रश्न क्रमांक 10 है तो प्रश्न क्रमांक 10 का यहाँ पर लिखेंगे हम हल। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो बिंदु हैं सबसे पहले यहाँ पर आप बिंदुओं को लिख लें कि जो बिंदु दिए गए हैं 4 और 0 दूसरा बिंदु है 5 ऋण 6 तीसरा बिंदु 0 ऋण 5 है चौथा जो बिंदु है 2 और 3 है चौथा जो बिंदु है 4 और कितना है 5 इनको हमें दर्शाना है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है क्योंकि यह क्वेश्चन 4 अंक में भी पूछा जा सकता है और 3 अंक में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको स्केल की सहायता से आपको सबसे पहले एक्स अक्ष को इस प्रकार से आपको खींच लेना है। इस प्रकार से आप छोटा बड़ा कितना भी खींच सकते हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से आपको एक वाई अक्ष खींच लेना है जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। इसको आप कितना भी छोटा बड़ा खींच सकते हैं। अब इसके बाद बीच में जो होता है मूल बिंदु होता है इसे यहाँ पर हम क्या नाम लिख सकते हैं एक्स अक्ष लिख सकते हैं और ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक अक्ष होता है इसलिए हम इसे एक्स डैश कहते हैं। यह क्या होता है वाई अक्ष होता है क्या होता है वाई अक्ष और वाई अक्ष का क्या होता है नीचे वाई अक्ष का ऋणात्मक अक्ष होता है इसलिए हम वाई डैश कहते हैं। अब इसके बाद जीरो होता है इस तरफ एक्स वाले जो एक्स अक्ष है इस तरफ धनात्मक संख्या होती हैं एक्स अक्ष की इस तरफ ऋणात्मक संख्या जैसे हमने एक लिखा आप चाहें तो एक एक सेंटीमीटर के गैप से स्केल से नाप के आप लिख सकते हैं 2 3 4 5 इस प्रकार से 6 7 तो आप स्केल से नाप कर बनाएं जैसे हमने अंदाज से बना दिया है। और इस तरफ एक्स अक्ष का ऋणात्मक अक्ष होता है तो यहाँ पर ऋण वाली संख्या होती है ऋण का 1 ऋण का 2 हो जाएगा ऋण का 3 हो जाएगा ऋण का 4 हो जाएगा ऋण का 5 हो जाएगा और यहाँ पर आप चाहें तो ऋण का 6 लिख सकते हैं इस प्रकार से क्योंकि यहाँ पर ऋण के 6 तक दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु। अब इसके बाद यह वाई अक्ष का धनात्मक अक्ष होता है नीचे ऋणात्मक अक्ष होता है तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा धन का 1 हो जाएगा और यहाँ पर धन के 2 हो जाएंगे धन का यहाँ पर 3 हो जाएगा इस प्रकार से धनात्मक होते हैं आपको अच्छे से ध्यान रखना है 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा आप चाहें तो 7 तक बना सकते हैं। इसी प्रकार से नीचे जो होते हैं यह ऋणात्मक मान होते हैं यहाँ पर हो जाएगा ऋण का 1 हो जाएगा यह जो है इस प्रकार से ऋण का 2 हो जाएगा यह ऋण का 3 हो जाएगा ऋण का 4 हो जाएगा ऋण का 5 ऋण का 6 इस प्रकार से आप स्केल से नाप कर बनाएं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सबसे पहला बिंदु 4 और 0 दर्शाना है तो पहला मान एक्स अक्ष में आप देखेंगे वो धन का 4 तो एक्स अक्ष यह है यहाँ पर ऋणात्मक है यहाँ पर धनात्मक है तो एक्स अक्ष में धन के 4 इस प्रकार से यहाँ पर मिल गए और 0 यहाँ पर है तो 0 यहाँ पर है तो पहला बिंदु यहीं पर हो जाएगा क्योंकि 0 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा। दूसरा है 5 और ऋण 6 तो x का मान कितना देखना है आपको x अक्ष में 5 देखना है तो 5 यहाँ पर है यहाँ पर आप देख सकते हैं और ऋण के 6 वाई अक्ष में देखना है तो ऋण के 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी हमें दर्शाना है हमें 5 से मिलाना है तो इस प्रकार से आप डैश करके इसको मिलाते आएंगे
और कहाँ तक आपको लाना है, माइनस के छः तक। तो जो माइनस के छः हैं इसके सामने तक आपको इस प्रकार से मिलाना है, और जहाँ भी ये दोनों बिंदु मिलेंगे तो यह क्या हो जाएंगे, x का मान 5 है इस प्रकार से, और y का मान -6 होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तीसरे नंबर में दिया गया है 0, तो x अक्ष में 0 यह है, सभी है चाहे x अक्ष का हो 0 या y अक्ष का 0, यहीं पर मिलेगा। और y अक्ष में हमें ऋण के 5 देखना है, तो y अक्ष में ऋण के 5 कहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोनों को मिलाएंगे तो दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यह 0 वो कितना होगा, ऋण 5 होगा। चौथा बिंदु है 2 और 3, तो x अक्ष में हमें 2 देखना है, तो x अक्ष में 2 यहाँ पर मिल जाएंगे। y अक्ष में कितना देखना है, 3, तो y अक्ष के धनात्मक संख्या उस तरफ है, मतलब ऊपर तरफ है, तो आप 2 को इस प्रकार से मिलाएंगे, कहाँ तक, 2 के सामने तक। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। चौथा बिंदु है जो 5वां बिंदु है, 4 और 5 है, तो x अक्ष में 4 यहाँ पर मिल जाएंगे, y अक्ष में 5 कहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप 4 और 5 को इस प्रकार से मिला देंगे, तो यह इस प्रकार से आप डेड डेस द्वारा मिला सकते हो, 5 के सामने तक आप इस प्रकार से मिलाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कार्तीय तल में किसी भी बिंदु को आप इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 11 है, परिभाषित कीजिए कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो हमें इसका आंसर देख लेते हैं। तो वे दो रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, समांतर रेखा कहलाती हैं। आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। यहाँ पर 2 अंक में परिभाषा पूछी गई है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा इस प्रकार से आप हेडिंग लगाएंगे, तो वे दो सीधी रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को कभी नहीं मिले, समांतर रेखा कहलाती है। ये भी समांतर सीधी, और इस चित्र को भी आपको अच्छे से बनाना है। तो आंसर कहाँ, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक तैयार करेंगे, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, उस चित्र को भी अच्छे से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से समांतर रेखाओं की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद जो है इसके अथवा में एक क्वेश्चन पूछा गया कि दी गई आकृति ए बी समांतर डी, कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री है यहाँ पर, और कोण सी डी 53 है, तो डी सी ई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, आर एच या सर्वांग समता किसे कहते हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके अथवा में पूछा गया है कि चतुर्भुज के जो कोण हैं 3:5:5:9:13 के अनुपात में, जो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, यदि आप इन सभी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हम आपको समझाएंगे। के बाद जो है प्रश्न क्रमांक 13 है, ए एस ए सर्वांग समता नियम को लिखिए, अथवा का है कि व्रत की परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, सिद्ध करो कि व्रत के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, अथवा का क्वेश्चन है। एस एस सर्वांग समता नियम को लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 कुछ इस प्रकार से, किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब जो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, अथवा का है इस प्रकार से। तो इन सभी प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इसका यह सॉल्यूशन दिया गया है इस क्वेश्चन का, तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही सरल है। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर आपको समझाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 है, और इसका आंसर दिया गया इस प्रकार से, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से दिया गया, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक 21, प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें, इनकी आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।